ब्रेकफास्ट खाते खाते ऐसा भी होगा रोज मिल जाना भाई, मतलब नीचे बढ़िया पेट्रोल पंप चल रहा है, वहाँ पे बुलडोजर बुलडोजर घूम रहे हैं उसमें पता नहीं क्यों। भाई क्या बढ़िया चीज़ आ रखी है खाने के लिए, दिस इज पैनकेक सिनेमन फ्रेंच टोस्ट समथिंग न्यूटेला। भाई क्या था करें भैया, जो क्रीम 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 तो ये आपको आना चाहिए, ले लो ले लो। नहीं आई एम डन, मैं ये फ्रेंच टोस्ट खाऊंगा ना। ऐसा मत करो, आप बहुत कम खा रहे हो फिर। अरे ब्रो रखे ना, मैं सही में ये खाऊंगा। आपकी गलती है, मैंने नहीं करा कुछ, लेकिन ऐसा हुआ क्या मतलब वहाँ से तक तो यहाँ तक सही आ रहा है। 5 सेकंड रूल है, खा लूँगा। हेलो एवरीवन, फ्यूचर व्यू मी हियर। मैं एक्चुअली इस व्लॉग का इंट्रो रिकॉर्ड करना भूल गया था, इसीलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तुम इस व्लॉग को देख रहे हो तो उस दिन डेट है 23rd, एंड तुमने जो सीन देखा से पहले दैट वाज मी हैविंग ब्रेकफास्ट विद माय ब्रदर एट अराउंड 9:30, एंड जो तुम अगला सीन देखोगे दैट वुड बी अराउंड वो पता मैं उसी बता दूंगा। तो भाई अभी बच चुके हैं सुबह के 11:30, और अभी गेस्ट वेस्ट जो एक्चुअल फंक्शन है वो शुरू होगा 12 बजे के अराउंड। एंड एज यू कैन सी सारी चीज़ें यहाँ पे अब यहीं से दिख रहा है सबको, यहीं पे सारा फंक्शन होना है, जो हमारा मेहंदी और क्या कहते हैं उसको हल्दी का फंक्शन है यहीं पे होना है वो। बट भाई शेट, मुझे नहीं पता इतना फाड़ दिखता है यहाँ पे, व्हाट द फक इज दैट पिजन डूइंग, उड़ गया पैंट। बट एनीवे मैं तुमको चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई इनके जो ये सॉकेट्स हैं, मैं मतलब लोड़े का 5-स्टार बैंड, इस सॉकेट में फास्ट चार्जिंग होती नहीं है। अगर मैं इसमें फ़ोन प्लग करता हूँ तो इसमें नॉर्मल चार्जिंग होती है, बट फॉर सम रीज़न उस प्लग में होती है। मतलब हो सकता है इनके एस्थेटिक्स के बेसिस पे इनको 5-स्टार रेटिंग दी गई है, व्हाटएवर इट इज। कल तक तो लग रहा था कि हाँ काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये वो, बट अब जब लाइक आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मेरे ख्याल से 3.5 स्टार तक ठीक है भाई, 5 तो ज्यादा हो गया। भाई अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, आई एम ऑल रेडी फॉर द मेहंदी / हल्दी, चेक आउट माय ट्रिप, दैट इज चेक इट आउट। बुलावा आ गया, लेट्स गो। भाई मैं अपने रूम में वापस आ चुका हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा बाहर रिकॉर्ड कर नहीं पाया बिकॉज काफ़ी सारे लोग थे उधर। मुझे कोई सोशल एंग्जाइटी नहीं है, लेकिन आज जस्ट मेरे को लगता है अगर ब्लॉग मेरा तो मैं फालतू ज़्यादा लोगों को ना लूँ, एंड जस्ट तुमको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखा दूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट मैं रूम में वापस आ चुका हूँ और मुझे दूसरे रूम में भी शिफ्ट करना है विद वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर। बट द थिंग इज, मैंने अभी आधे घंटे पहले इनका बेल बॉय बुलाया कि मेरे को रूम से सामान निकलवा के दूसरे रूम में शिफ्ट कराना है। मार्क माई वर्ड्स, आधे घंटे पहले, 2 बार कॉल कर चुका हूँ मैं आधे घंटे पहले, ये सर्विस है 5-स्टार होटल की। मेरे को ऐसा ना फीलिंग से आ रही है कि इनका जो ये सब डेकोर है ना, जितना भी तुमको ये रॉयल थीम्ड बना रखा है, ये सब दिखावे का है मेरे को लग रहा है, और एक्चुअल सर्विसेज एकदम जीरो है। रुको भाई आ गए अभी, लेट्स सी। तो इससे पहले रिसेप्शन ने किसे कॉल करा था, मतलब आप को कॉल आया ही नहीं था तो मेरे को नहीं था कॉल था। मैं ऊपर एक्चुअली सर लगेज ड्रॉप करने गया था, हाँ। इसलिए मैं ट्रॉली लेके ही आ गया। थोड़ा मेरे को अजीब लगा कि रिसेप्शन पे 3-4 बार फोन करना पड़ता है, उसके बाद वो आपको इन्फॉर्म करते, तो थोड़ा वियर्ड सा मेरे को फील हुआ। एक्चुअली कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। नमस्कार। अब की सर काम हो तो बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। इस होटल का जो 1 नाइट का प्राइस है, तुम्हारे ये जो सॉकेट काम नहीं करते, ये बारे में ट्राई नहीं किया, बट मेरे रूम में जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। मैं रेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इतना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। बट हाँ, क्योंकि भैया की शादी से ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करूँगा। दिस रूम इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू द लास्ट वन, यहाँ पे बस थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बोलूंगा मैं ऐसे, एक बार मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या सीन है यहाँ पे, जो डेकोरेशन एंड एम्बियंस है या जो एनवायरनमेंट बोल लो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। मेरे एक और फैमिली मेंबर यहाँ पे रुके हुए हैं मेरे साथ, तो इसलिए ऑब्वियसली सेपरेट बेड्स हैं यहाँ पे, दैट इज समथिंग दैट आई लाइक। बट देन अगेन क्या होता कि अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुकता, बट चलो ठीक है मेरे फेवर में, आई वोंट क्वेश्चन इट। बाकी सब आई थिंक एवरीथिंग नाउ इज गुड। वो नटराज की पेंसिल आओ भाई, क्या लिखे, वियोमी was here, god damn, मेरी नाइटिंग कितनी सेक्सी है, कोई प्लीज इसको देख कैच करो जल्दी, कोई प्लीज करो। व्यू भी देखते हैं पे, ओह माय गॉड, हम पहले थे 5th फ्लोर पे, होली फक भाई, सन किस मी, सन सेक्स्ड हो गया हूं मैं तो भाई सन में से 4 प्लस तो कर ही नहीं रहा। दिस इज द व्यू दैट आई एम गेटिंग राइट नाउ, होली शिट भाई बहुत तेज धूप है, बढ़िया व्यू है भाई, मतलब अच्छी खासी बिल्डिंग्स हैं, नीचे गाड़ियां जा रही हैं, एक गार्बेज पिट है इधर, फिर इधर
यहाँ पर आई हैव नो क्लू, आई थिंक कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है। एंड देन वो क्या है, लेट मी जस्ट ज़ूम इन, मैं भाई यहाँ से पढ़ा भी नहीं जा रहा। वर्धान ग्रैंड प्लाजा, ओके हाँ वर्धान ग्रैंड प्लाजा। वो अभी क्या टाइम हो गया, 8:10 और हमको कितने बजे तक निकलना है? पापा ने क्या बोला था? 20 से 30 मिनट। अरे बहुत है, इतनी देर में तो मैं 10 बार रेडी होता हूँ। अरे बहुत ही ओवर यूज गाना है, ऐसे गाने अगर मैं गाऊं तो आपके पास पूरी अनुमति है मुझे आज धक्का देने की। उठ जा तो सुन जो बच्चे गाना है। सही है, जेई नीड एस्पिरेंट्स के लिए चेक आउट माय ड्रिप। ऑनेस्ट रिव्यू है, मैं ब्लॉग में डाल रहा है ना ये। मैं ऑलरेडी बहुत बिचिंग कर चुका हूं होटल की ब्लॉग में। सॉकेट नहीं चल रहे, फ्रिज नहीं चल रहा, सॉकेट तो नहीं चल रहा है ना। ये 5 स्टार है ना? हां मैं वही कह रहा हूं, नहीं है 5 स्टार भाई। चिकन भाई घटिया चिकन, चिकन इतना ज्यादा हार्ड है कि तुम नहीं खा सकते। मटन में मटन नहीं है, सिर्फ हड्डी और बकचोदी है। सॉरी, दिल्ली का स्टैंडर्ड बहुत बेकार है फिर। और क्या भाई, भाई ये टाई का कपड़ा भैया ने पूरा सूट कॉपी करा लिया। मैं टाई से देख रहे हो तुम जलवा। मैं रूम में जाके ऑलरेडी चेंज करके आ चुका हूँ वापस। एंड अभी मैं नीचे पानी की बोतल लेने के लिए आया था क्योंकि अपेरेंटली रूम में है नहीं। बट एनीवे आज का व्लॉग भाई यहीं समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, अगर तुम्हें चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।